हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रश्मीज क्यूजीन। आज हम बनाने वाले हैं एगलेस टूटी फ्रूटी ओट्स केक। ये परफेक्ट टी टाइम केक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक लोफ टीन ले ले या कोई भी केक कंटेनर ले ले और इसे ऑयल या बटर से ग्रीस कर ले और बटर पेपर से लाइन कर ले और साथ ही ओवन को 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्री हीट कर ले। अब टूटी फ्रूटी और ड्राई किशमिश ले ले और मैदे से इन्हें कोट कर ले। ऐसा करने से टूटी फ्रूटी और किशमिश एक समान केक में फैल जाएंगे और यह केक के तले में नहीं बैठेंगे। अब चलिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले छन्नी में मैदा ले ले, बेकिंग सोडा ले ले, बेकिंग पाउडर ले और नमक डाल ले और इसे अच्छे से छान ले। इसी तरह से इसे दो बार फिर से छान ले। अब वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार कर ले। एक बोल में दही ले लें। दही रूम टेम्परेचर पर ही होना चाहिए। पीसी हुई चीनी ले लें। मैंने ब्राउन शुगर पाउडर किया हुआ है, आप चाहे तो व्हाइट शुगर भी ले सकते हैं। वनीला एसेंस ले लें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। अब कंडेंस्ड मिल्क ले लें और सारी सामग्री को फिर से अच्छे से मिक्स कर लें। अब ऑयल ले ले, आप चाहे तो बटर भी यूज कर सकते हैं। मैंने ऑलिव ऑयल लिया है, आप चाहे तो कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर ले। अब ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब तैयार ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इसमें धीरे धीरे करके ऐड करें। हमें इसे एक बार में नहीं मिक्स करना है और हल्के हाथों से इसे मिक्स कर लें। अब ओट्स ले ले और इसमें मिला लें। अब इन सबको हल्के हाथों से मिक्स कर लें। अब बाकी बचे मिश्रण को भी मिला लें और इन्हें हल्के हाथों से मिक्स कर लें। हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है ताकि कोई लम्स ना रहे। अब टूटी फ्रूटी और किशमिश को भी ऐड कर लें और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लें। आप अपने पसंद के अनुसार और भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मिश्रण ज़्यादा गाढ़ा है, इसलिए इसमें गर्म पानी ज़रूरत के अनुसार ऐड कर लें और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लें। केक के बैटर की कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। अब केक का बैटर बेक करने के लिए तैयार है। अब बैटर को तैयार कंटेनर में डालें और इसे स्पैचुला की मदद से अच्छे से फैला दें और इसे इवेनली स्प्रेड करने के लिए एक से दो बार टैप जरूर कर लें। अब यह बेक करने के लिए तैयार है। हमें इसे प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 35 मिनट के लिए बेक करना है या गोल्डन ब्राउन होने तक बेक कर लें। आप देख सकते हैं केक गोल्डन ब्राउन हो चुका है और टूथपिक भी बिल्कुल क्लीन आ रहा है। अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने के लिए छोड़ दें। केक अब पूरी तरह से ठंडा हो गया। अब इसे चाकू की मदद से किनारों से अलग कर लें और इसे चॉपिंग बोर्ड पर पलट लें। तो चलिए अब हम केक की स्लाइस कर लेते हैं। अब हमारा केक पूरी तरह से सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।